तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख को बचाने की है। लेकिन यूक्रेन के साथ तक खड़े देशों की ताकत पुतिन को अपने मकसद में कामयाब होने से लगातार रोक रही है और यही वजह है कि वॉर जोन के कंट्रोल रूम की कमान खुद पुतिन ने संभाली है और अब पुतिन के ही सुपर विजन में रूस जल थल और नभ में अपनी परमाणु शक्ति को परख रहा है। पुतिन ने संभाली वॉर जोन की कमान। यूक्रेन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। जल थल नभ में पुतिन का शक्ति प्रदर्शन। यूक्रेन में अपने अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब वॉर जोन के कंट्रोल रूम की कमान खुद पुतिन के हाथों में। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ बढ़ाए जाने वाले एक एक कदम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुतिन ये परखना चाहते हैं कि जिन न्यूक्लियर वेपन के बूते रूस का डंका पूरी दुनिया में बजता रहा है वो न्यूक्लियर वेपन उनके कितने काम आने वाले हैं। यही वजह है कि बारंसी की लहरों पर पुतिन की सेना अपनी परमाणु शक्ति को आंक रही है और खुद पुतिन इस वॉर ड्रिल की एक एक रिपोर्ट देख रहे हैं। रूस बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु सबमरीन वाली इस वॉर ड्रिल को लेकर पुतिन का मकसद क्या है इसकी तस्वीर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के इस बयान से साफ होती है। राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों के अभ्यास को देखा। उन्होंने ये अभ्यास इसलिए देखा ताकि अगर कोई दुश्मन देश परमाणु हमला करता है तो उसके जवाब में भारी परमाणु हमला किया जा सके। यानी पुतिन इस न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के जरिए दुनिया को यह साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि वो अपने दुश्मनों पर किसी भी हथियार का किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने जिन परमाणु हथियारों के ड्रिल को देखा है उनमें जमीन से जमीन पर मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से मार करने वाली सिनेवा ICBM मिसाइल, TU-95 स्ट्रेटेजिक बम और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इस ड्रिल को जल थल और नभ में अंजाम दिया गया है। यानी पुतिन के सेना का मैसेज किसी शीशे की तरह साफ है कि पुतिन परमाणु हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि ब्रिटेन में रूस के राजदूत एंड्री केलिन ने CNN को जानकारी देते हुए कहा है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने वाला है। रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने जा रहा है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सभी मंत्रियों को आश्वस्त किया है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने नहीं जा रहे हैं। ये हमारे रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। जाहिर है पुतिन एक साथ दोहरे मोर्चे पर काम कर रहे हैं। एक तरफ पुतिन पूरी तरह से परमाणु हमले की तैयारियों में जुटे हैं तो दूसरी तरफ वो दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि वो परमाणु हमले जैसा कोई खतरा नहीं उठाने वाले। लेकिन सच यही है कि पुतिन के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि पुतिन जिस तरह से न्यूक्लियर ड्रिल को मॉनिटर कर रहे हैं वो एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति एक्शन में है। अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए परमाणु ड्रिल शुरू कर दी गई है। पुतिन की एक ड्रिल इवानी प्रांत में हुई जिसमें करीब 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस ड्रिल में रूस की यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर के साथ भी प्रैक्टिस की गई। यार्स बैलिस्टिक मिसाइल इतनी ज्यादा घातक है कि वो किसी भी महाद्वीप पर हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। पुतिन ने परमाणु एक्सरसाइज करके बाइडेन को
ये मैसेज दे दिया कि वो डरने वाले नहीं है। न्यूक्लियर लैब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पुतिन ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिससे किसी भी महाद्वीप में हो सकता है हमला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने महज 3 सेकंड में ऐसी मिसाइल लॉन्च कर दी जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। ऐसी मिसाइल जिसका नाम सुनकर पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई। ऐसी मिसाइल जिससे रूस सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका तक निशाना साध सकता है। पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। यार्स बैलिस्टिक मिसाइल काम टारगेट मिनटों में खाक, रीच 11,000 किलोमीटर, रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा। रूस ने अपने परमाणु अभ्यास में यार्स बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेलर दिखा दिया है। इस वॉर ड्रिल में रूस की सेना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर के साथ प्रैक्टिस की है। ये तस्वीरें रूस के इवानोव प्रांत की है जहां पर ये परमाणु अभ्यास किया गया। पुतिन खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो टीवी स्क्रीन पर इस घातक यार्स बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत देख रहे थे। यार्स ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच जाती है और लंबी दूरी तक पहुंचकर दुश्मन देश का खात्मा कर सकती है। और इसके लिए पुतिन ने अपने देश में 15 मिसाइल बेस तैयार कर रखे हैं। हर बेस पर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें तैनात हैं। रूस ने अपने अधिकांश मिसाइल बेस पश्चिम में बना रखे हैं ताकि अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करना हुआ तो आसानी से हमला हो सके। बाइडेन की चेतावनी के बावजूद पुतिन ने यह परमाणु अभ्यास करके साफ कर दिया है कि वो अमेरिका या नेटो देशों से डरने वाले नहीं। एक तरफ जहां रूस परमाणु अभ्यास कर रहा है तो वही यूक्रेन के अंदर उसकी सेना पस्त होती दिख रही है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस के एक तेल डिपो को उड़ा दिया है। रूस का यह तेल डिपो डोनेस्क से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। यूक्रेन के हमले में तबाह हुए इस तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। यूक्रेन ने रूस का तेल डिपो जो है वो तबाह कर दिया है। यह तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रूस और यूक्रेन से जुड़े हुए। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस के परमाणु अभ्यास पर अमेरिका ने एक बार फिर एतराज जताया और साथ ही पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। एक महीने में बाइडेन की यह दूसरी धमकी है। उधर पुतिन के परमाणु अभ्यास से यूक्रेन समेत सभी पश्चिमी देश में हड़कंप मच गया है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ट्रेलर लॉन्च कर अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो के 30 देशों को डरा दिया है। और ये ट्रेलर है परमाणु युद्ध का। यूक्रेन के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हमले के डर को फिर से हवा दे दी है। और यही वजह है कि पूरी की पूरी दुनिया में ये माहौल बना हुआ है कि किसी भी वक्त परमाणु युद्ध छिड़ सकता है।
परमाणु युद्ध से पहले परमाणु अभ्यास शुरू। रूस के एटम बम निकल गए। परमाणु बम को ले जाने वाली रूस की मिसाइलें भी एक्टिव हो चुकी हैं। रूस की मिसाइलों पर परमाणु विस्फोटक लोड किए जा चुके हैं। टारगेट लॉक हो चुका है। पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट हो चुका है। यूक्रेन के सारे एयर डिफेंस 24 घंटे एक्टिव कर दिए गए। यूक्रेन के हर जवान की नजर यूक्रेन के आसमान पर है। रूस ने वीडियो भी रिलीज कर दिया है। पुतिन ने खुद बैठकर रूस के परमाणु अभ्यास की निगरानी की है। रूस के सुप्रीम कमांडर पुतिन की तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। पहली बार पुतिन का रौद्र रूप देखने को मिला है। किम जोंग उन वाले स्टाइल में पुतिन ने खुद परमाणु विस्फोट का निरीक्षण किया है। आखिर पुतिन ने परमाणु अभ्यास करवाकर वीडियो क्यों रिलीज करवाया है? इन तस्वीरों के पीछे की मंशा आखिर क्या है? क्यों पुतिन ने ये फैसला लिया है? सब आपको बताने वाले हैं। पुतिन के इस फैसले ने अमेरिका को चौंका दिया है और खुद बाइडन को सामने आकर रूस का काउंटर करना पड़ा है। पुतिन की धमकियों ने अमेरिका को इस तरह डरा दिया है कि अमेरिका ने परमाणु बम से बचाने वाली गोलियां 2388 करोड़ में खरीदी हैं। लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने एक और चाल चली है, ऐसी चाल कि अमेरिका में बाइडन के खिलाफ ही बगावत हो रही है और ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों एक ही हफ्ते में दो बार अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच बात हुई? तो अभी तो रूस का परमाणु अभ्यास शुरू हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन परमाणु हमले का बटन भी दबा सकते हैं? परमाणु हमले की आशंका के बाद दुनिया के कई देश डरे हुए हैं। यहां तक कि पुतिन की धमकियों को अमेरिका भी हल्के में नहीं ले रहा। वो इसलिए क्योंकि पुतिन के पास ऐसे हथियार भी है जो वॉशिंगटन तक मार कर सकते हैं। पुतिन के दिमाग में यूक्रेन को अलग थलग करने का नया गेम आखिर क्या चल रहा है? सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और रूस के बीच चल रही परमाणु हमले की धमकियों के माइंड गेम की। सबसे पहले सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की यह धमकी। Russia would be making an incredibly serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. Don't know. But it would be a serious, serious mistake. ये बाइडन की पहली धमकी नहीं है। एक महीने पहले भी एक इंटरव्यू में बाइडन पुतिन को परमाणु हमले के मुद्दे पर धमकी दे चुके हैं। Ukraine succeeds on the battlefield. Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. 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 It will change the face of war unlike anything since World War II. And the consequences of that would be what? I'm what would the U.S. response be? You think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been. And depending on the extent of what they do, will determine what response would occur. लेकिन पुतिन ने बाइडन की सारी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए परमाणु अभ्यास करने का फैसला ले लिया है।
याद करने वाली बात यह है कि 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब सैन ने अभ्यास को ही बहाना बनाकर यूक्रेन के बॉर्डर पर आर्मी को इकट्ठा किया गया था और फिर अचानक हमला बोल दिया गया। और अब एक बार फिर रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू की है, तो क्या आगे पुतिन परमाणु हमला कर देंगे? इसी डर ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। रूस ने यूक्रेन पर दो दिन पहले डर्टी बम के इस्तेमाल की प्लानिंग करने के आरोप भी लगाए थे। इस आरोप के बाद रूस की सेना हाई अलर्ट पर है। ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका बातचीत शुरू करने का माहौल बनाए, नहीं तो कभी भी एटमी हमलों से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III, and there will be nothing left of our planet all because stupid people didn't have a clue. They don't understand what they're dealing with, the power of nuclear. अमेरिका के लोग इस वक्त इतने डरे हुए हैं कि परमाणु हमले के रेडिएशन से बचाने वाली पोटेशियम की गोलियां खरीद रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 को अमेरिका की सरकार ने 2389 करोड़ रुपए की आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान कर दिया। पुतिन के एक बयान के बाद अमेरिका के लोगों में और भी ज्यादा घबराहट फैल चुकी है। Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. पुतिन की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुतिन के पास ऐसे हथियार भी हैं जो वॉशिंगटन तक मार कर सकते हैं। रूस के मॉस्को से अमेरिका के वॉशिंगटन की दूरी 7,800 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी रूस की मिसाइलों के ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे RS-36 सैटर्न मिसाइल की रेंज सबसे ज्यादा 16,000 किलोमीटर है, RS-28 सरमत की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो यूक्रेन से जारी जंग के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नेटो के देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो गई। इससे देखिए एक बात साफ हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पुतिन के जालों का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। पुतिन ने एक और चाल चली है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नेटो के देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, इसलिए कि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए और खुद पुतिन को ही रूस के अंदर इस्तीफा देना पड़ जाए। लेकिन इससे पुतिन की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि भारत और चीन ने रूस से सस्ता तेल खरीदने का फैसला कर दिया। अब हालत यह है कि पुतिन के लिए गड्ढा खोदने के चक्कर में बोरिस जॉनसन की कुर्सी जा चुकी है। लिज ट्रस दो महीने भी प्रधानमंत्री नहीं रह सकी और अमेरिका के अंदर बाइडेन के खिलाफ भी बगावत शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पुतिन की चालों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। दरअसल बाइडेन की ही पार्टी डेमोक्रेट्स के 30 सदस्यों ने बाइडेन के विरोध में चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा गया कि बाइडेन यूक्रेन में युद्ध को खत्म करवाएं। 24 अक्टूबर को लिखे इस चिट्ठी में बाइडेन को सलाह दी गई कि रूस से बातचीत शुरू की जाए। इस चिट्ठी ने जेलेंस्की को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया, क्योंकि अगर युद्ध विराम हो गया तो लोहांस, डोनस, खेरसोन और ज़ेपोरेजिया में रूस का कब्जा स्थायी हो जाएगा। क्राइमिया पर तो पहले से ही रूस का कब्जा है और यही वजह है कि पुतिन अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब युद्ध विराम हो जाए और शांति की बात की जाए। इसलिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही पुतिन के इशारों पर रूस के रक्षा मंत्री ने 2 बार अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर रूस और अमेरिका के बीच कोई सांठ गांठ हो गई है तो यूक्रेन जंग में अकेला पड़ जाएगा और लुहांस, डोनेस, खेरसोन और ज़ेपोरेजिया के इलाके हमेशा के लिए उससे अलग हो जाएंगे। लेकिन जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, पुतिन का सारा फोकस खेरसोन की लड़ाई पर लगा हुआ है। Сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с
теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись. Путин Херсон के हालात को लेकर काफी चिंता में है. इसकी वजह है यूक्रेन से आ रहे तमाम वो वीडियो जिसमें रूस के सैनिकों पर जबरदस्त हमले दिखाए जा रहे हैं. जैसे ये वीडियो डोनेट्स्क का है, जहां रूस के सैनिकों को ले जाने वाली BTR-82A को काफी ऊंचाई से टारगेट करके यूक्रेन की फौजों ने उड़ा दिया. साफ है कि डोनेट्स्क के अंदर भी रूस की फौजों पर यूक्रेन का दबाव बढ़ रहा है. और ये तस्वीर देखिए कैसे एक हवाई हमले के बाद हुए धमाकों ने रूस के सैनिकों को तितर बितर कर दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए. ये युद्ध भूमि से आ रही एकदम अनकट और डायरेक्ट तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं. ये वीडियो भी यूक्रेन की एक न्यूज एजेंसी ने जारी किया है, जिसमें रूस के सैनिकों पर बम फेंकते हुए दिखाया गया है. और इस वीडियो को भी यूक्रेन के ट्विटर हैंडल से ही जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस के सैनिकों को पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा गया. और यही वजह है कि रूस अब जल्द से जल्द समझौता करना चाहता है और इसके लिए उसकी रणनीति भी बहुत साफ है. पहले वो परमाणु हमले का खौफ बनाएगा, यूक्रेन के लोगों को इस बात का एहसास कराएगा कि बचे हुए यूक्रेन को बचाने के लिए ये जरूरी है कि लुहांस्क, खेरसोन, डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़्या को रूस को ही सौंप दिया जाए और फिर शांति वार्ता की मेज पर लाकर ज़ेलेंस्की को और अपमानित किया जाएगा, ताकि यूक्रेन के लोगों के अंदर भी ज़ेलेंस्की को विलन साबित किया जा सके और पुतिन का असली मकसद पूरा हो जाए. और इस बीच यूक्रेन से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है. यूक्रेन ने एक बार फिर से सामूहिक कब्र मां से बरामद हुई है. खार्किव में ये सामूहिक कब्र मिली जिसमें 17 यूक्रेन के सैनिकों के शव मिले हैं. बताया ये जा रहा है कि ये सैनिक करीब 6 महीने पहले रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में मारे गए थे और साथ ही जिसके बाद रूस के सैनिकों ने इन्हें यहां पर दफना दिया था. तो रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी खबर यह है कि पुतिन के खासम खास चेचने कमांडर रमजान कादिरव ने इस जंग को जिहाद बता दिया है. यही नहीं, रमजान कादिरव ने यूक्रेन से शैतान राज को खत्म करने का भी दावा कर दिया है. और यूक्रेन जंग के दौरान एक बार फिर कादिरव की खूनी ललकार सुनाई दे रही है. दरअसल राष्ट्रपति पुतिन के खास चेचने कमांडर रमजान कादिरव ने गजवाए यूक्रेन का ऐलान कर दिया है. कादिरव ने जंग को जिहाद करार दे दिया है. क्या है ये कादिरव का गजवाए यूक्रेन, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट. चेचन कमांडर कादिरव का सनसनीखेज ऐलान. यूक्रेन जंग को दिया बिग जिहाद करार. यूक्रेन को तबाह करना कादिरव का मकसद. जंग में कत्लेआम कादिरव का मिशन. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास और सबसे वफादार कमांडरों में से एक चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने यूक्रेन जंग के दौरान एक बार फिर एक सनसनीखेज ऐलान किया है. ऐलान जंग में कत्लेआम मचाने का. दरअसल कमांडर कादिरव का कहना है कि जिस तरह रूस की सेना यूक्रेन के शहरों और उसकी फौज को निशाना बना रही है, वो जंग जीतने के लिए नाकाफी है. लिहाजा वो रूसी सेना की रणनीति से नाखुश है. इसलिए कमांडर कादिरव ने रूसी सेना को यूक्रेन के शहरों को दुनिया के नक्शे से ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने का फरमान दिया है. крайне недоволен, недоволен,
сегодняшнюю ситуацию, но, ну, есть, но он, люди, которые командуют, он, наверху они больше его понимают, чем я, больше видят, но, он, но я тоже имею свою долю, но он, в этом государстве, но, как доброволец. Но. चेचन कमांडर रमजान कादिरव के इस एक बयान का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि राष्ट्रपति पुतिन का ये खूंखार कमांडर यूक्रेन के जंगे मैदान में कत्लेआम चाहता है। दरअसल जो लोग कमांडर कादिरव को जानते हैं उनका कहना है कि कादिरव यूक्रेन के शहरों को नेस्त नाबूद नहीं बल्कि उनके नामो निशान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने की ख्वाहिश रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कादिरव ने टेलीग्राम चैनल पर अपने एक बयान में एक ऐसा ऐलान किया है जो अमेरिका और नीटो की परेशानी बढ़ा सकता है। दरअसल कादिरव ने यूक्रेन जंग को जिहाद करार देते हुए दुनिया के मुस्लिम समुदाय से इस जंग में अमेरिका और यूरोप के खिलाफ शामिल होने की अपील की। यानी अब राष्ट्रपति पुतिन का ये खतरनाक कमांडर डर्टी टैक्टिक्स का इस्तेमाल भी कर रहा है। это большой джихад, который мы все должны участвовать, и мы не остановимся, но мы будем убивать их, но где бы они находились, но какая разница, кто им помогает, что Америка что, но или Европа, да, вы вообще о чем вы беспокоены, да, что у них разве есть, да, столько возможностей, да, столько сил, средств нет у них, да. और खास बात यह भी है कि रूस में भी कमांडर कादिरव के बयान से इत्तेफाक रखने वाली की कोई कमी नहीं है। कई लोगों ने तो कादिरव के बयान को सही बताया, यही नहीं कई लोगों ने तो जरूरत पड़ने पर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को भी नेस्तनाबूद करने की बात कह डाली है। दरअसल यूक्रेन के खेरसोन इलाके में रूस की सेना को लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। खेरसोन के कई मोर्चों से उसकी सेना को वापस भी हटना पड़ा है। लिहाजा चेचन कमांडर कादिरव बार बार राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है। कमाल देखिए, रूस में भी कमांडर कादिरव के बयान से इत्तफाक रखने वालों की कमी नहीं है। व्लादिमीर सोलोवयोव रूस के एक सरकारी न्यूज चैनल में एंकर है और उनका भी मानना है कि कादिरव ने यूक्रेन के शहरों का नामो निशान मिटा देने का जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है। यही नहीं, एक प्रोग्राम के प्रसारण के दौरान सोलोवयोव ने ये तक कह डाला कि अगर जरूरत पड़े तो रूस को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। खार्किव में यूक्रेन की सेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। Хмадыч Кадыров записал обращение, и это какая-то фантастика. Я вот читал его и думал, а с чем я могу здесь быть не согласен? Да я с каждым словом согласен. Просто на наших глазах сейчас, ну, происходит изменение характера войны. Это правильно говорит. इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी फौज ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। रूस का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए और इसके साथ इस हमले में भारी मात्रा में यूक्रेन के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। 26 अक्टूबर को रूस ने एक बार फिर अपनी एक बड़ी न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की। अमेरिका के मुताबिक रूस ने इस न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की इत्तला उसे पहले ही दे दी थी, लेकिन रूस के इस परमाणु युद्धाभ्यास ने पूरी दुनिया की टेंशन को फिर एक बार बढ़ा दिया है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ रूस के इस परमाणु युद्धाभ्यास को
यूक्रेन पर परमाणु हमले की कादिरव की अपील से भी जोड़ कर देख रहे हैं। दरअसल यूक्रेन पर हमला करने से पहले भी रूस ने एक बड़ी परमाणु वॉर ड्रिल की थी और अब यूक्रेन जंग के दौरान रूस ने फिर एक बार न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की है। लिहाजा दुनिया को ये डर सता रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु हमला ही ना कर दें।